तो जहाँ तक सेक्सटॉर्शन और वीडियो कॉल्स का सवाल है, इसमें हमें तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन से कुछ डिस्ट्रेस कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जिसमें कॉलर बताता है कि सर मुझे एक वीडियो कॉल आया और मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया, और सामने जब वीडियो कॉल रिसीव किया तो उसने पाया कि या तो सामने फ़ोन पे स्क्रीन पे कोई न्यूड क्लिप प्ले की जा रही है, या जो कॉलर है वो खुद न्यूड है, और द कॉलर इज़ ट्राइंग टू एंगेज दी कॉल्ड पर्सन इन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, और इसी दौरान वो उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेता है या उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, और सब्सिक्वेंटली वो उसको वो रिकॉर्डेड क्लिप जो है वो भेजता है और थ्रेट करता है कि आप या तो हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें, नहीं तो हम आपका ये वाला क्लिप जो है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दो हमारे पास कोई अभी फॉर्मल कंप्लेंट इस तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है, बट ये हमने बेहतर समझा कि लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए। मेरी तमाम सुनने वालों से देखने वालों से यही गुजारिश है कि इस तरह की जब भी वीडियो कॉल आपको अननोन नंबर से आए तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, उसको जवाब ना दें, और इन केस गलती से अगर कोई एक्सेप्ट भी कर लेता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में एंगेज ना हो, और अगर कोई हो भी गया है, किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कॉन्वर्सेशन में एंगेज भी हुआ है, तो फिर बी कॉन्फिडेंट, डोंट सकम्ब टू देयर प्रेशर, और इमीडिएटली जब भी आपको इस तरह का ब्लैकमेलिंग का कॉल या कोई इस तरीके की चीज़ आती है, आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप पहुँच सकें तो साइबर पुलिस स्टेशन में आके उसके लिए रिपोर्ट करें। वी विल सी कि कौन कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, और इसके लिए सबसे यही गुजारिश है कि वो इस तरीके की कॉल्स को ना एक्सेप्ट करें, और अगर गलती से किया है एक्सेप्ट कॉल तो उसमें फिर पैनिक ना करें, और जो ब्लैकमेलर है उसकी टैक्टिक्स को उसमें आके उसके प्रेशर में आके कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा या कोई भी डिटेल्स, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल या किसी तरीके की डिटेल्स जो है वो शेयर ना करें। उसको ऑफ ही रखते हो, उसको ऑन रखो, पीछे से ऑन करो। मैंने किया ऑन, बाकी ऑन है नहीं इसको यार, पीछे से ऑन मैंने अभी किया है। नीचे प्लग व्लग लगे हैं इसके, ये ऑन रखना चाहिए ना।